Hey guys, welcome back. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से ब्लॉग में हमारे। तो गाइज अभी तितली को देखिए, तितली क्या खा रही है आप लोग गेस कीजिए। और तितली की दादी इधर देखिए, तितली का डमरू बजा रही है, वो खिलौना है तितली का बहुत प्यारा। तो आप लोग गेस कीजिए कि तितली क्या खा रही है, कौन कौन इस चीज को पहचानता है जरा बताएं मुझे। ये है खेसारी का साग और देखिए कैसे खा रही है। ये बिल्कुल अपने मम्मी पर गई है ना बेटी, है ना मम्मी पर गई है ना बेटी। तो इसकी दादी को बहुत पसंद है और निशा को बहुत पसंद है। तो ये लोग मस्त अभी खा रहे हैं खेसारी का साग और मुझे भी खिला रही थी। बेटा मेरे को भी खिला दो तितली। हमारे भाई साहब भी आ गए, ये देखिए तितली तितली जरा खिला दो ना बेटा, खिला दो मेरे को। उसका सर दर्द कर रहा है, माँ को कह रहा है माँ करे, मेरा तो खुद ही सर दर्द कर रहा है। चाचू जाओ। तो गाइज अभी बाजा बज रहा है, यानी अभी सरस्वती माँ की प्रतिमा का विसर्जन होने वाला है। तो आप लोग को दिखाता हूँ। ए निशा जी इधर किचन में है। निशा चलो चलो जल्दी आ जाओ, एक विसर्जन जा रहा है। चलो बेटा आओ दिखाते माँ, चलो चलो रेलिंग पे चलो। तो गाइज तितली डांस कर रही है और अभी आ रहा है उधर, तुरंत आने वाला है। आप लोग को दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त यहाँ पे विसर्जन निकलता है, जुलूस वगैरह भी होता है ना। तितली साग लगा हुआ गाल में इसके। जब भी अपने दुकान पर हूँ आया था कुछ काम वगैरह, क्योंकि आप सभी को बताया है कि कल नंदी की शादी है तो कुछ ज्वेलरी वगैरह लेना था। तो मैं अपने दुकान से पहले ही आ गया था, निशा भी घर पे, बाकी अभी एक और विसर्जन जा रहा था सरस्वती माँ का। तो वहाँ की एक झांकी देखिए यहाँ पे, भाई साहब हमारे तरह टाटा कर दो यार। तो भाई साहब देख रहे हो आप, ये है हमारे झांकी वाले भाई साहब। मुँह दिखा दो यार, मुँह दिखा दे यार, मुँह नहीं दिखा रहा है बट अभी यार पैसा लेने के लिए। पंकज भैया पैसा दीजिए, क्योंकि सब स्कूल के बगल में ही वहाँ से मूर्ति उठी हुई है उन्हीं का है। और मस्त अभी जुलूस आ रहा है सबको, यार बहुत लोग आ रहा है ना रे। ठीक है चलो इसको दे दो, पैसा दे दे मैं, चेंज नहीं है मेरे पास। और आपको एक और ख़ास चीज़ दिखा रहा हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइज ये देखिए क्या ज़बरदस्त कलेक्शन है, दुकान पर भी आया था, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम लोग और भी कुछ कुछ लेना था तो वो अभी लेंगे, बट आपको सबसे पहले जुलूस दिखाता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ देखिए राम सीता लक्ष्मण की जोड़ी, और अभी आ रहा है पूरा विसर्जन जबरदस्त। ये मेरे दुकान पे है और इधर से भी आ रहा है पूरा देखिए वहाँ के दरबार। तो गाइज अभी आपने देखा क्या जबरदस्त वाला जुलूस था। बाकी मैं आया था गिफ्ट लेने के लिए आनंदी के लिए, तो वो तो मैं ले लिया हूँ। बाकी एक और चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत मुझे नज़र आया। दुकान पर कभी कभी आता हूँ मैं, ऐसे तो ये मेरा भाई चलाता है, बट मैं आता हूँ तो कुछ अच्छी चीज़ें दिखती है तो मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ।
बट अभी नया कलेक्शन आया हुआ था तो मुझे दिखा रहा था, तो मैं सोचा आप लोग इसे शेयर करूँ, बट आप लोग देख लीजिए और चलते उसके बाद घर। तो गाइस ये वाला देख के तो मेरा भी दिल खुश हो गया कि भाई क्या खूबसूरत लग रहा है ये नेकलेस, इसको बोलते हैं हार वगैरह है तो जो गले में सट रहता है चिक टाइप का, तो बहुत ही खूबसूरत है। बट चलिए चलते हैं घर अब। तो गाइस अभी आ चुका हूँ घर पे और तितली भी शो के उठ चुकी है। बेटू मैं आता है तो जैसे ब्लॉग शुरू किया बस ये उठ गई है ना बेटा है। तितली को थोड़ा बहुत सर्दी हो गया और एक्चुअली आज वहाँ पे कथा पूजा थी तो हम लोग आज ही जाने वाले थे, बट सचिन भाई ही लेट निकले हैं और तो हमारा प्लान था कि अब हम लोग कल जाएंगे क्योंकि इसकी थोड़ी सी नोजी नोजी हो रही है। और आज ना स्कूल पे मेरे काम वगैरह, मैंने लेबर को बुला रखा था झूला लगाने के लिए, तो इस कारण मैं नहीं जा पाया क्योंकि अब मैं नहीं रहूँगा। क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा परेशान हो जाती है, सो के उठती है ना तो थोड़ा सा ये। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो इसी कारण गाइस स्कूल का काम वगैरह था तो जिसके कारण आज मैंने जाना पोस्टपोन कर दिया। बाकी कल जाएंगे, कल है संगीत और मेहंदी है ना जी, और परसों है शादी। और मेरे साथ एक और खास जाने वाले हैं लोग यानी रुद्र पूजा, तो वो भी कल आएंगे, कल आप देखेंगे मॉर्निंग में वो हमारे घर पे आएंगे और यहाँ से हम लोग सब साथ में जाएंगे। और अमित भाई भी आ रहे हैं ऐसा अभी तक तो मतलब लग रहा है कि शायद वो भी आएंगे, अभी कंफर्म नहीं है बट देखिए क्या होता है। सचिन भाई तो आज पहुँच जाएंगे, तो पहुंचेंगे तो हम लोग कल अब पहुंचेंगे वहां पे। लेकिन ज्यादा मजा आता है आज मजा आता है। बट गाइज आज सच बताऊं तो इतना सारा काम था ना, और अगर मैं छोड़ के जाता 3 दिन के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती, बहुत ज्यादा दिक्कत होती। इसी कारण पता नहीं क्या हो गया यार मेरी भी नाक में, तो इसी कारण मैंने सोचा कि नहीं भाई आज हम लोग काम वगैरह कर लेते हैं, कल चलेंगे ना दीदी, तो बहुत मजा आएगा। और आनंदी से मतलब हालांकि सब ये सारा जो सर्कल बना सचिन भाई के थ्रू ही बना है और बहुत प्यारे लोग मिले हमें है ना, आनंदी प्रकाश। पहली ट्रिप जो सचिन भाई के साथ हुई थी, पहली ट्रिप में आनंदी दीदी भी मिली। हाँ आनंदी ही मिली थी, जब हम लोग पहली बार सचिन भाई से मिले थे तो उस समय आनंदी भी मिली थी और मैं कम्प्लीटली शॉक था उनको देख के। बहुत सारी चीज़ें थी जो कभी मैं आपको बताऊंगा और बातचीत वगैरह होती है तो मैं छेड़ ही देता हूँ कि भाई साहब क्या तुम भाई पहली बार देखा था, तो हमारी बहुत सारी यादें हैं। और आनंदी का शादी हम लोग का यहाँ पटना में हो रहा है, हाँ, तो जब भी ये लोग इधर से इधर ससुराल से मायके या मायके से ससुराल जाएंगे तो हमारे घर बीच में आए, हाँ, वो बोलती है कि यहाँ पे रुक के और तब जाऊंगी जी। मैंने बोला बहुत अच्छा है भाई, अपना घर है, रुक जाना और फिर जाना है ना बेटा। हम लोग सबको बोलते हैं कि जिसको जिसको आना एकदम चाय पानी पी के जाना या फिर नाइट स्टे करना हो तो कर लेना। तो अभी हमने प्यारा सा एक गिफ्ट भी लिया है आनंदी के लिए, वो भी लेकर जाएंगे। और भी बहुत सारा काम है, काम मैंने इतना सारा है कि क्या ही बताऊँ। तो उसको गिफ्ट को पैक भी कराना है और अभी पैकिंग करना बाकी है, तो अब आके हम लोग पैकिंग वगैरह करेंगे, सारा कुछ करेंगे क्या। तो अभी मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा यार, आज पता नहीं क्यों, बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं किया हो ना उधर, तो फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। सच बताऊँ तो फ़ोन नहीं उठ रहा है, बट चलिए कोई नहीं, इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं एंड। और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कल पहुंच जाएंगे सचिन भाई के घर पे सुबह में हम लोग, तो होप धमाकेदार आएगी ब्लॉग्स। आप लोग बने रहिएगा, खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। टाटा कर दो तितली बेटे, टाटा कर दो, टाटा कर दो। अभी खाने में विधि देख क्या खाती है, आज ये साग खा रही थी और अभी खा रही है अपना भुजिया हल्दीराम का। टाटा करो जल्दी, टाटा टाटा, ओके बाय बाय। अब तो तितली टाटा कर दिए, बाय बाय सभी को, लव यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना।